1.5 किलो चिकन चिकन में 250 ग्राम तेल लेना है। हमारे कुछ मसाले जिससे हमको इसको इसमें ऐड करना है, ये रही लौंग, ये रही कुछ इलायची, और ये रहे कुछ काल मखाने, और ये रही छोटी इलायची, और ये तो इसमें ऐड करना है। मम्मी बताएंगे कैसे ऐड करना है। और इसमें थोड़े से हम लोग को लेना है, ये मम्मी ने अलग से मसाला बना के रखा है, इसको कैसे ऐड करना है ये मैं आपको, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये रहा दही, इसको बताएंगे कैसे ऐड करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अरे हम बनाए उनको, हमारी दो प्याज मीडियम स्लाइस की, दो प्याज काटी है हमने। हाँ प्याज तो मैंने दो प्याज को यहाँ पर, इसको किस तरह से बनना है क्या होना है बाकी मैं बताऊंगी आपको आगे ब्लॉग में। ये हाफ है और ये डेढ़ है। मसालों में हम लोग को लेना है धनिया पाउडर, ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है, और आप जिस तरह से मिर्चें यूज़ करते हैं अपने घर में, हल्की खाते हैं तो हल्की लें, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो मतलब उस हिसाब से, क्योंकि मेरे घर में सब लोग कम खाते हैं तो इस तरह से कम ही हम लोग ने, थोड़ा सा मतलब लाइट खाते हैं। टेस्ट के अनुसार नमक को ऐड कर सकते हैं। जार में इसको गरी को ऐड करना है, और ये जो मैंने कुछ मसाले अलग रखे थे, मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो इस तरह से हम लोग को इसको ऐड करने थे। देखो पीस लिया है अच्छे से, और देखिए आपको इस तरह से मसाला इस तरह से कर लेना है बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ना मोटा रहे ना बारीक हो, महीन रहे, इस तरह से आपको पीस लेना। प्याज थी जो हम लोग ने फ्राई की थी, उसको ऐड किया, उसमें पानी मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्सर से हम लोग ने मिक्स कर लिया। यहाँ पर हम मेरा तेल गरम हो चुका है, ठीक है, अब इसमें हम लोग चिकन ऐड कर रहे हैं। अभी ये पूरा चिकन ऐड होगा इसमें थोड़ा थोड़ा करके। ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, इसके बाद मैं बताऊंगी इसको क्या करना है आगे से, क्या कैसे करना है। चिकन फ्राई हो रहा था, उसमें तो हम लोग ने प्याज रखी थी, आधी प्याज डाली थी, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, आपको इस तरह से देखना है ये अंदर सही से जा रहा है, तो हाँ हमारा ये अच्छे से हो चुका है प्रॉपर तरह से। तो चिकन था मैंने उसको निकाल के, उसका जो तेल बचा था उसी में मैंने उसको प्याज को ऐड कर लिया, ये आधी प्याज थी। हमारी प्याज फ्राई हो रही है अच्छे से, प्याज को अलग बर्तन में निकाल लेना है, फ्राई जो प्याज हमने करी थी उसको निकाल लेना है। अब मैं बताऊंगी आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ऐड करना इस तरह से, ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हमारी प्याज मिला दीजिए, मिला दीजिए, ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा, आप इसको ट्राई करें घर में। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, और ये जो हमारा मसाला था ये इसको ऐड किया, और ये नमक ऐड करते हैं स्वाद अनुसार, जितना आप लेते हैं उस तरह से आप ले सकते हैं।
अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड कर लिया। अब इसको हम लोग अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो नीचे से साफ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम लोग दही ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर ये हमारा मसाले का पेस्ट है। मसाला पाउडर मिक्सर को तो हमने मिक्सर में पीसा था, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। आप इसको मिला देंगे, अच्छे से मिक्स करना। और यहाँ पर कुछ तेल पत्ते हैं, उसको ऐड करना। हम लोग को 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है, भुन जाएगा अच्छे से। पानी यहाँ पर ऐड करना है हम लोग को। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप इसको प्लीज ट्राई करें, बहुत ही अच्छा पानी। इसको लगभग लगभग बस रेडी हो चुका है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो आपको नहीं बताती खुशबू वो बता सकती हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और इसको अब हम लोग को 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से छोड़ देना है हाई फ्लेम पर। यहाँ पर गर्मा गर्म टेस्टी चिकन कोरमा रेडी हो चुका है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और इसको प्लीज़ घर में ट्राई करिएगा। सो गाइज़, हम लोग वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाए थे, सो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।